क्राइम ब्रांच की साइबर सेल व पीपीगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एटीएम कार्ड बदलकर लोगों का पैसा निकालने वाले एक आरोपित सुधीर कुमार सैनी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके गिरोह के दो साथी शिव कुमार पांडे व अजय कुमार दुबे फरार हो गए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपित के पास से दो एटीएम कार्ड व 19,170 रुपए बरामद किया है। घटना का खुलासा करते हुए गुरुवार को एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि बीते 24 मार्च को पीपीगंज कस्बे में एटीएम से रुपए निकालने गए तिगरा निवासी व्यापारी संदीप सिंह का एटीएम कार्ड बदलकर जालसाजों ने 50,000 रुपए निकाल लिए थे। पीपीगंज पुलिस व साइबर सेल टीम उनकी तलाश में थी। गुरुवार की सुबह टीम ने मुखबिर की सूचना पर बांस गांव के बेदौली बाबू गांव निवासी सुधीर कुमार सैनी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके गिरोह के दो साथी बांस गांव के रघुआ डिया छुटकी निवासी शिव कुमार पांडे उर्फ दुर्गेश तथा रघुआ डी बड़का टोला निवासी अजय कुमार दुबे उर्फ छोटू फरार हो गए। एसपी क्राइम ने बताया कि गिरोह के लोग रकम निकालने के लिए एटीएम में जाने वाले कम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाते हैं, उनके पीछे खड़े हो जाते हैं तथा मदद का बहाना बनाकर कोड की जानकारी कर लेते हैं तथा कार्ड भी बदल लेते हैं। बाद में कोड की मदद से कार्ड को स्वैप कर रकम निकाल लेते हैं। एसपी क्राइम ने बताया कि पकड़े गए सुधीर पर सहजनवा में एक लूट का मुकदमा दर्ज था, जिसमें वह जेल जा चुका है। वहीं फरार शिव कुमार पर गगहा में हत्या के प्रयास व बांस गांव में छेड़खानी तथा देवरिया में तीन केस पहले से दर्ज है, जिसमें वह भी जेल जा चुका है। इसी प्रकार फरार अजय पर सहजनवा में लूट, गोला में लूट, बांस गांव में जालसाजी, गोला में गैंगस्टर तथा बस्ती में एक केस सहित कुल 6 केस दर्ज है, जिसमें वह पहले भी जेल जा चुका है। एसपी क्राइम महेंद्र पाल सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी आप बैंक में या एटीएम में लेन देन करते हैं तो बाहरी लोगों की मदद ना लेकर बैंक कर्मियों की मदद ले। गिरफ्तारी करने वाली टीम में पीपीगंज थानेदार सत्यप्रकाश सिंह, साइबर टीम के प्रभारी महेश कुमार चौबे, सिपाही शशि शंकर राय व शशिकांत जायसवाल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम महेंद्र पाल सिंह ने कहा, लगातार जनपद में साइबर अपराधों को वर्कआउट करने में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और इसमें ये शशिकांत राय, शशि शंकर जायसवाल और महेश चौबे के नेतृत्व में ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग जो है साइबर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, और उसके अंतर्गत भी हम लोग विद्यालयों में अथवा इस समय विद्यालय बन गए तो ऑनलाइन भी लोगों को जागरूकता का प्रशिक्षण अपनी टीम के माध्यम से देते रहे। एक संदीप सिंह हैं तिगरा पीपीगंज के रहने वाले, तो उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी कि उनका एटीएम बदल के जो है एटीएम से 50,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। तो उस सूचना के आधार पे थाना पीपीगंज और हमारे साइबर सेल की टीम एसआई महेश चौबे द्वारा इसको संयुक्त रूप से भर्त किया गया सीओ क्राइम साहब और सीओ कैंपियरगंज के सुपरविजन में, और उसमें एक अभियुक्त सुधीर सैनी की गिरफ्तारी हुई है। सुधीर सैनी के पास से दो एटीएम बरामद हुए हैं और 19,170 रुपये बरामद हुए हैं। पूछताछ पे पता चला कि ये जो है भोले वाले लोगों में हेल्प करने के नाम पे उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और उनका पिन कोड पढ़ लेते हैं, धीरे से उनका एटीएम पिन पता कर लेते हैं चालाकी से। उसके बाद हेल्प करने के नाम पे अपने एटीएम से एटीएम एक्सचेंज कर दिया किसी भी एटीएम से, उसके बाद धीरे धीरे उससे पैसे निकालते रहते हैं। इसी क्रम से इन लोगों ने इनके एटीएम से 50,000 रुपये इनका विड्रॉल कर लिया था। इस घटना में सुधीर सैनी को गिरफ्तार किया गया है, इसके दो और साथी हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, एक शिव कुमार पांडे हैं, एक अजय कुमार दुबे हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। सुधीर सैनी भी पहले लूट में सहजनवा थाने से जेल जा चुका है। इसके अतिरिक्त शिव कुमार पांडे के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट के मुकदमे जनपद में ही दर्ज हैं, देवरिया से भी ये जेल गया है, और अजय कुमार दुबे के खिलाफ लूट के मुकदमे भी हैं, गैंगस्टर का भी है, और जनपद बस्ती से भी जेल गए हैं, जहाँ से इनका आपराधिक इतिहास और पता किया जा रहा है।
और इन अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इस प्रकार का कोई डेटा तो नहीं है, पर लॉकडाउन में चूंकि लोग खाली रहते हैं तो खुराफाती लोग, ये एक वैसा क्राइम होता है, साइबर क्राइम घर बैठे ही कर सकते हैं, तो खुराफाती और सामाजिक तत्व तो अपने इन कृत्यों को करने की कोशिश करते हैं। नहीं, अभी तक तो इनका जनपद गोरखपुर में ही अपराध की प्रकाश में आया है, परंतु जैसा मैंने बताया कि ये बस्ती से भी जेल जा चुके हैं और देवरिया से भी साथी जेल जा चुके हैं, इसका मतलब ये है इधर उधर भी कोई और क्राइम करते रहते हैं आसपास के जनपदों में। अपील करेंगे कि जो लोग बैंक जाते हैं ऐसे लोगों को बाहर निकालें। जो लोग बैंक जाते हैं उन लोगों के लिए यही सलाह है कि किसी अनजान व्यक्ति से कोई मदद ना लें, अगर किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो या तो बैंक के अधिकृत कर्मी से लें या अपने परिवार के सदस्यों से ही जानकारी लें।